नमस्कार, आप देख रहे विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित पीएम मोदी, राज्यपाल भी होंगे शामिल। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी आज करेंगे मार्च, राष्ट्रपति को सौंपेंगे 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। थाने महानगर पालिका ने मोदी सरकार की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने से किया इनकार। बागपत में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में जैन समाज द्वारा स्थापित धार्मिक प्रतिमा को हटाने की मांग पर किया जमकर हंगामा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एनआईए सीबीआई एड को आगे ना करके मुझसे सीधे मुकाबला करे। योगी सरकार ने मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का अविवादित बयान, कहा अबुल कलाम आजाद के दिल में भारत और भारतीयता के प्रति कोई स्थान नहीं था। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कसा तंज, कृषि कानून को बताया किसानों को बर्बाद करने वाला। समाज सेवी राजनेता योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार को चेताया, कहा मोदी सरकार आग में खेल रही है, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। यूपी सरकार का फैसला, अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन और आवास की सुविधा। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम ने कहा यूपी में कांग्रेस किसी से नहीं करेगी गठबंधन, अकेले लड़ेगी सभी सीटों पर चुनाव। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।